और ये आप जी का चमत्कार जो 31 अक्टूबर को सुकानखेड़ा ब्लॉक दारेवाला में दो प्रेमी कुएं में गिर गए थे, तो आपकी दया रहमत से हम वहां पर गए और हम लगभग 4 बजे वहां पर पहुंचे और प्रशासन और सारी संगत वहां पर मौजूद थी। हम जाते ही वहां सेवा में जुट गए और उनको निकालने लग गए और बस पिता आपकी दया में रहमत रही, हम सिमरन करते रहे और मिट्टी निकालते रहे और ऐसे ही पिता ही लगातार लगे रहे। लगभग 7 बजे उनका एक का फेस बाहर आ गया तो हमें सभी को शांति मिली और हमने सिमरन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया और यही आपसे अर्ज की जल्दी से जल्दी पिता ही उनको निकाल दो। तो सिमरन करते रहे पिता ही आपकी दया में रहमत से। एक मिस्त्री था पिता ही, एक मजदूर था, दोनों बहुत दुखी थे, उनको उल्टियां आ रही थी, बहुत दुखी थे पिता, उनके पैर पिता पैडों में फंसे हुए थे। आप जी की दया में रहमत से पैडे निकाली, मिट्टी निकाली, ईंटे निकाली और लगभग 9:35-9:40 के बीच में एक बंदा बाहर आ गया। ये सिर्फ पिता आप जी की दया में रहमत थी, कोई मतलब प्रशासन इतना किसी ने साथ नहीं दिया, सारे ग्रीनेस के सेवादार तन मन धन से जुटे हुए थे पिता ही, आप जी की दया में रहमत थी। और जब एक आदमी बाहर आ गया फिर दूसरे को निकालने में लग गए, लेकिन 5 मिनट बाद 3-4 फुट मिट्टी और गिर गई जिससे एक प्रेमी भाई का जो उसमें खड्डे में था उसका फेस भी ढक गया। तो पिता ही हम पिता आंखों में आंसू आने लग गए और सिमरन और बढ़ गया पिता ही। और आपसे यही अर्ज पिता जल्दी से जल्दी निकाल दें और हमारी लाज रखें। तो विधि ऐसी सिमरन बढ़ता गया, नारा लगा के हम फिर जुट गए। फिर भी तही कोई आसपास त्रेड़े आ रही थी, मिट्टी करने की आशंका थी, तो फिर हमने रस्सा डाल के खींचने की कोशिश करी। पिति एक दो बार खींचा लेकिन वो वार नहीं आया, लेकिन फिर भी हम सिमरन करते रहे। 5 मिनट बाद फिर नारा लगा के जोर से रस्से से हमने उनको खींचा और वो बाहर आ गए और सारे प्रशासन वाले हैरान रहे, सबने जोर जोर से नारे लगाए और प्रशासन वाले भी पिता ही जोर जोर से नारे लगाने लगे। सभी हैरान थे, पिता ही ये सब आप जी की दया में रहमत है, पिता ही हम तो इसके काबिल नहीं है, आपने हमें काबिल समझा और ऐसी हमसे सेवा ली, पिता ही ऐसी दया में रहमत करना और ज्यादा से ज्यादा हम सेवा सिमरन करें और आप जी के चरणों में ओढ़ निभ जाए। पिता धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जी बेटा, आप लोगों ने बहुत हिम्मत की और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, क्योंकि आम इतनी मिट्टी गिर जाए कोई बचता नहीं, 6-7 घंटे कोई मिट्टी के नीचे रहे। तो ये बेपरवाह जी ने रहमो करम की, उनमें भी एक सत्संगी इंसान था और मालिक की रहमत हुई। सो जो सेवा करता है बेटा, मालिक मेवा देता है, खुशियां बख्शता है। सिमरन करते रहो, भजनों में पक्के रहो, सेवा करो, मालिक खुशियां बख्शे।